हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिवेटेड जॉइंट्स। ठीक है, आज के हम इस टॉपिक में डबल रिवेटेड टाइप जॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे चैन टाइप भी कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ड्रॉ द टॉप व्यू एंड सेक्शनल फ्रंट व्यू ऑफ अ डबल रिवेटेड, जिसे चैन टाइप भी कहते हैं, लैप जॉइंट। ठीक है, व्हेन द डाया ऑफ द रिवेट इज कितना है, 18 mm दे रखा है, और ड्रॉ एटलीस्ट 3 रिवेट्स इन ईच रॉ इन प्लेन। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में तीन रिविट बनाए थे, रिविट हेड बनाए थे टॉप व्यू में, वैसे ही बनाना है। ठीक है, और कैलकुलेट करना है थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेशन पहले कर रखी है उसको समझाते हैं। हमारा डाया कितना दिया हुआ है, 18 mm का दिया हुआ है। तो हमें इम्पेरिकल इक्वेशन हमारी क्या है, डी इज इक्वल टू 6 × अंडर रूट टी होता है। टी हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट होती है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट की 18 और ये इसको 6 को इससे डिवाइड किया तो हमारा रूट हटाने के बाद कितना है, 9 mm का आ गया हमारा थिकनेस आ गई प्लेट की। ठीक है, जो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी थी। उसके आगे हमें कुछ और भी चीज़ें पता होती है ड्राइंग बनाने के लिए, मार्जिन क्या होता है, 1.5D होता है, डी हमारा 18 है तो हमारा 27 mm आ गया। पिच हमें जो टॉप व्यू में बनानी होगी, दो रिवेट सेंटर के बीच की डिस्टेंस 3D होती है तो डी हमारी वैल्यू 18 है तो 54 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही बैक पिच होता है, बैक पिच हमारा 2D+6 होता है लैप जॉइंट में। ठीक है, जो चेन टाइप होता है उसमें 42 आ गया हमारा। ठीक है, और डायगनल पिच जैसे डायगनली डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये हमारा अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। तो हम ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रिवेट बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया सर्टेन लेंथ पे। ठीक है, एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें हमें दो डबल रिवेटेड जॉइंट बनाना है तो इसके लिए हमें दो रिवेट बनेंगे फ्रंट व्यू में। तो इसके लिए हमारी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, बैक पिच 2D+6 मतलब 42 mm आया हमारा। तो 42 mm यहाँ से मेजर करके हम मार्क कर लेते हैं और एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ड्राफ्टर को हमने सेट किया और 42 mm पे एक मार्क लगाया। और इसके बाद अभी जो हमें ये पॉइंट मिला है इस पर भी एक एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ड्राफ्टर की हेल्प से ड्राफ्टर हमने यहाँ पे सेट किया और एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक्सिस हमारा ड्रॉ हो गया। इसके बाद ये हमने एक्सिस यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, दो एक्सिस हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इन दोनों एक्सिस पे दो रिवेट बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको रिवेट बनाना नहीं आता, आप मेरे लास्ट वीडियो रिविट वाली देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिविट के हेड्स बना रखे हैं। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें टी दे रखा है थिकनेस, ये थिकनेस ऑफ प्लेट है, मतलब कितनी मोटी इसमें प्लेट लगेगी उसके। तो इसका क्या करना है हमें, कि ये जो हमारी प्लेट है ये 9 mm आया है तो हम इसे डबल लेंगे, क्योंकि दो प्लेट्स की मेटल को हम इसमें ज्वाइंट करते हैं रिविट की हेल्प से। ठीक है, दो प्लेट्स को, तो हमें इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। तो 18 mm की ऊपर तक हम एक डिस्टेंस ले लेंगे दोनों एक्सिस पे। ठीक है, रिविट बनाने के लिए, जो कि रिविट के हमारा लेंथ हो जाएगा। इसके लिए हमने ड्राफ्टर सेट किया, एक बार हमने 0 पे मार्क लगाया, दूसरी बार इस मतलब 0 पे दूसरे वाले एक्सिस पे भी लगाया और 18 पे 1 पे मार्क लगा लिया हल्का सा। ठीक है, फिर उस मार्क को हम 0 पे ले गए, ऊपर ले गए ड्राफ्टर अपना, और उसको मार्क को डार्क कर लिया और दूसरी साइड भी मार्क कर लिया। अब हमें ये मार्क्स मिल चुके हैं, अब क्या करना है हमें, रिविट का डाया इस पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमारा डाया कितना दिया हुआ है, हमारा डाया दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 mm, तो 18 इधर 18 इधर। ठीक है, 9 9 हो गया, सॉरी 9 इधर 9 उधर। ठीक है, तो 18 mm का हमारा डाया हो गया, दोनों साइड दोनों पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इतनी ही डिस्टेंस पे जितनी पे हमने मार्क किया 18 mm तक। अब इस ड्राइंग पे हम इसको मार्क करेंगे और इसको ले जाएंगे 9 पे सेट कर देंगे ड्राफ्टर को, और इसको ऊपर तक 18 तक ले जाएंगे। ठीक है, ये ले गए इसको ऊपर, और इधर से भी हमने 18 पे इधर इसे मार्क किया और ऊपर तक ले गए 18 तक। ठीक है, सेम इस पे भी कर लेंगे जैसे इस पे ड्रॉ किया हमने। ये तो हमारा रिविट का डायमीटर की लेंथ थी। अब रिविट का जो हेड होगा, स्नैप हेड, उसकी डिस्टेंस हमारी लेंथ कितनी होती है,
उसकी लेंथ होती है हमारी, हमने लास्ट ड्राइंग में भी बनाया था 1.6D। हमारे 6D कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो हमारा कितना जाएगा 1.6D। हमने उसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो कितना आया 1.6D का 28.8, तो हम इसे 29 ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम लेंथ खींच देंगे 29 की, हाफ इधर 29 का हाफ इधर डिवाइड कर देंगे हाफ उधर, ठीक है, एक्सिस से। अब देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ऐसे सब पर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे रिविट के हेड की लेंथ ड्रॉ हुई। अब इसकी हाइट कितनी होती है, 0.7D होती है। डी हमारा 18 दिया हुआ, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारा 12.6 आ गया, ठीक है। तो उस 12.6 को हम 13 भी ले सकते हैं, ठीक है, तो 13 ले लेते हैं इसे। या अगर आपको एक्यूरेट बनाना है तो 13 और 12 के बीच में डिस्टेंस ले लो। हमने ड्राफ्टर को सेट किया और 13 और 12 के बीच के डिस्टेंस को मार्क कर दिया, ठीक है। ये हमने मार्क लगा दिया इसको, और सेम इस पे भी लगा देंगे और नीचे भी लगा देंगे, ठीक है। अभी जो पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट पर हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, इस पॉइंट से मिला के ऐसे सेट किए इसे यहाँ पे हल्का सा, और यहाँ पे हल्की एक लाइन खींच दी। अभी जो लाइन मिली हमें, इसे ज्योमेट्रिकली डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, इस लाइन से ज्यादा की हाफ से ज्यादा की डिस्टेंस लेके आर्क मारेंगे, एक बार यहाँ मारेंगे एक बार यहाँ मारेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से एक बार यहाँ मारेंगे एक बार यहाँ मारेंगे, दो जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे दोनों को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे जो एक्सिस पे ड्रॉ होगी, और फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो ये पॉइंट मिले इसे हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। डी को सेट किया दोनों एक्सिस पे और एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये पॉइंट हमें जो मिला यहाँ से यहाँ तक का एक कंपास खोल के सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो इस लाइन तक मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, इस पॉइंट से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब जैसे इस पे हेड ड्रॉ किया है, अब हमें हर तरफ कंस्ट्रक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम जितनी कंपास में खुली हुई है ऐसे ही हम चारों पर हेड ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है रिविट हेड बनाने का, स्नैप हेड और नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप हेड, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे रिविट्स बन गए हैं। अब क्या करना हमें, ये जो हमारे ये लेंथ है प्लेट सी, जो रिविट को ज्वाइंट करने के लिए दो प्लेट्स लगेंगी, वो ये दो प्लेट्स का है, तो सिंगल प्लेट की कितनी थी, 9 mm की थी हमें, जो हमने क्वेश्चन में फाइंड किया था, ठीक है। तो इसको 18 है तो इसे हम हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इसे मार्क कर लेते हैं। ड्राफ्टर को सेट किया और 9 पर मार्क कर लिया, ठीक है, और हर तरफ इसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया। आप देख पा रहे होंगे जैसे हमने इस एक्सिस से इस एक्सिस की डिस्टेंस कितनी थी हमारी, 2.6D प्लस 6 थी, ठीक है, 2D प्लस 6 थी, ठीक है। तो और इसे बैक पिच था ये, ठीक है, और तो ऐसे ही हम मार्जिन ड्रॉ करेंगे। मार्जिन हमारा कितना था, 1.5D, ठीक है, जो 27 आया था, तो मतलब हम यहाँ से 1.27 ड्रॉ करेंगे इधर की तरफ और यहाँ से 27 इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन एक का एंगल नीचे की तरफ बनेगा, एक का ऊपर की तरफ बनेगा एक प्लेट का, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर ड्रॉ कर देते हैं 27, यहाँ से 27 पे मार्क किया और इसको एक लाइन खींच दी हमने, ठीक है। और इस वाली लाइन को हमने तो इसको डायरेक्ट ऐसे मिला सकते हैं क्योंकि इसके बीच में कोई प्लेट्स में एंगल नहीं बनेगा, और इधर भी हम ऐसी मार्क कर लेते हैं ऐसी, ठीक है। तो ड्राफ्टर को सेट किया और इसको 27 पे यहाँ से ले गए और 27 पे हमने इसको मार्क कर दिया, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसके बाद हमें ऊपर की प्लेट ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे एंगल बनाएंगे। इसको ऊपर की तरफ हम हल्का सा इस पे पेंडिकुलर एक बना देते हैं और इस वाले पे नीचे की तरफ, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है इस पे एंगल बनेगा और इस वाली लेंथ को हम सर्टेन बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। ड्राफ्टर सेट किया और इस वाली लेंथ को हमने यहाँ मिलाया और इसको सर्टेन डिस्टेंस तक ले गए, ठीक है, और इस वाली को भी हम इसके सर्टेन डिस्टेंस तक ले जाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही सेम इस वाली को भी कर देंगे, ठीक है, ऊपर यहाँ से भी। ये कुछ ऐसा हो गया। अब इस पॉइंट जो हमें मिला है इसको ब्रेक करके दिखा देते हैं और इसको भी हम ब्रेक करके दिखा देते हैं और इस पर एक एंगल बनाएंगे यहाँ से 9 डिग्री का, 10 डिग्री का, ठीक है, और इधर से भी 10 डिग्री का। तो उसके लिए क्या किया, हमने यहाँ पर डी को रखा और 10 डिग्री पे यहाँ मार्क किया और यहाँ एक लाइन खींच दी, ठीक है, हल्की सी, ये 10 डिग्री का एंगल दिखा रही है हमारी,
ठीक है, इसको 10 डिग्री मार्क कर दिया। सेम यहाँ पे भी बना देंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये लाइन है इसको इस एंगल से यहाँ तक मिला देंगे और इसको इससे यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा नजर आएगा। अब जो ये लाइन है इसको डार्क कर देंगे और इसको भी डार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू रेडी है, लेकिन हमें क्या बनाना था, क्या बनता, फ्रंट सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना था, ठीक है, सेक्शनल। तो सेक्शनिंग कर देंगे इसमें, एक बार ड्राफ्टर को सेट करेंगे 45 डिग्री पर और हैच कर देंगे। ड्राफ्टर को 45 डिग्री पे सेट किया और इस एंगल पे रख के इसकी हैच कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली प्लेट पर हमने इस तरफ से हैच किया है, तो इसको हम इस तरफ से हैच करेंगे, ठीक है, इस वाली लाइन से, ठीक है, इसको इस लाइन से हैच कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू पूरा रेडी हो गया है, बस इसकी मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ डी की फॉर्म में, ठीक है, और आप कुछ भी डी मानकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट व्यू सेक्शन, फुली सेक्शन पूरा रेडी है। अब इसका टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। टॉप व्यू के लिए सबसे पहले हम ये एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक, और इस दोनों एक्सिस को, ठीक है, और इनके प्रोजेक्शंस भी ले लेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमने यहां पर एक वो ड्रॉ करना है, एक्स वाई एक लाइन जो कि फर्स्ट एंगल को हमारा शो करे, ठीक है। कुछ भी देख सकते हैं, एक्स एक्स दे सकते हैं, मैंने एक्स वाई दे दिया है इसके नाम, ठीक है, ये मेन एक्सिस हमारा, ठीक है। अब इन सब का प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। ड्राफ्टर सेट किया और इसका हल्का सा प्रोजेक्ट ले लिया, और ड्राफ्टर यहाँ सेट किया इस पॉइंट पे, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ से होता हुआ यहाँ ले लिया, और इस वाले एंगल का भी ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सबका ले लेंगे, ठीक है, ये हमने इसके सारे प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इस पॉइंट पर हम मार्क करेंगे, ठीक है, जो कि सर्कल के लिए एक एक्सिस इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, सिर्फ सर्कल बनाने के लिए, ठीक है, जो हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे रिविट हेड का इसका, ठीक है। अब ये जो हमने मार्क किया इसके लिए सर्कल बनाने के लिए, इसके नीचे भी सर्कल ड्रॉ करना हमें कितने, 3 मिनिमम, ठीक है, कम से कम। तो हमने कितना, हमारा पिच कितना था, वो पिच था 3D, तो और 3D इंटू कितना, 18 हमारा डी दिया हुआ है, तो 54 आ गया। इसके नीचे हम 54 डिस्टेंस लेंगे दो, क्योंकि हमें 3 सर्कल बनाने हैं एक के नीचे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 रिविट बनाने ईच रो में, मतलब एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, मतलब एक रो में कम से कम 3 रिविट होने चाहिए। तो हमने ड्राफ्टर को 54 पर सेट किया और यहाँ मार्क लगाया इसको, फिर इस तरफ भी हमने ऐसे लगा लिया, फिर नीचे और किया और 54 पर और लगाएंगे इस वाले पॉइंट से, फिर मार्क किया 54 पर और यहाँ मार्क लगाया और यहाँ लगाया, ठीक है। और इस मार्क को हम एक्सपेंड कर देते हैं जैसे ऊपर वाले में किया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतने रेडियस का कंपास खोलेंगे इतने रेडियस तक, ताकि इतने का हमारा ये जो हम ऊपर से देखेंगे एक सर्कल दिखेगा ऊपर से उसके लिए, ठीक है। तो हमने इतने का मेजर किया और इतने का खोला और एक गोला बना देंगे, ठीक है, ये बिग वाला सर्कल हमारा बन गया। अब इसके अंदर ये जो डाया है इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ होगा, लेकिन क्या होगा, ये हिडन सर्कल होगा, क्योंकि ऊपर से दिखने पर ये नहीं दिखेगा, ये हिडनली हमें इसे एज्यूम करके बनाना होता है, ठीक है, हिडन शो करेंगे जिसको डैश डैश लाइन से सर्कल बनाएंगे, जिसे हिडन लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो हिडन हमें ऐसे शो करना है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लिया, प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें बार बार यहाँ पर मेजर करने की जरूरत नहीं है, जितना हमने प्रोजेक्शन लिया है इस पर ही हम बना देंगे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे आया यहाँ से, डिस्टेंस कैसे लिया हमने, ठीक, कि डायमेंशन कैसे हमने यहाँ से उठाया इसे, कि हमने यहाँ से इसे मेजर किया कि इतने का सर्कल हमें बनाना था। हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन पहले ले लिया है ऑलरेडी, तो हम इतना ही कंपास खोलकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते थे। जैसे हमने यहाँ पर दोनों सर्कल्स बनाए, एक हिडन और एक पूरा दिखाया हुआ है हमने पहले बड़ा वाला, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी और बाकी के भी 4 बना देंगे, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ, तो ये हमारे नंबर ऑफ सर्कल्स हमने बड़े वाले बना लिया। अब इसमें छोटे वाले ड्रॉ करेंगे सब में, ठीक है, हमारे छोटे वाले सर्कल्स भी ड्रॉ हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट का जो है प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, ठीक है। उसके लिए हम जो येलो लाइन है इसको पूरा ड्रॉ कर लेंगे डार्क पेंसिल से, जो प्रोजेक्शन ले रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले जो इन दोनों लाइनों का प्रोजेक्शन हमने लिया था ये, उसको हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो हमने ये लाइन का प्रोजेक्शन लिया हुआ है, ये हमारा
ब्रेक करके दिखाया गया गया है, तो इसको हम ब्रेक करके यहाँ तक दिखा देंगे और नीचे वाली लेंथ तक ले जाके और उसको इससे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे ब्रेक करके दिखाया क्योंकि पीछे की हमें डिस्टेंस नहीं दिखानी है, और अब इसको ब्रेक करके नीचे तक लेके आएंगे, ठीक है। ऊपर से हम ब्रेक करके लाए और इसको ब्रेक करके यहाँ तक मिला दिया इसे, और ये हमारा बिल्कुल डार्क पेंसिल से मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला है नीचे वाली प्लेट, इसको ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन जो लिया है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे ही, लेकिन इसको हम हिडन लाइन में खींचेंगे क्योंकि ऊपर से ये दिखने में हमें विजिबल नहीं होगा, ये छुपा हुआ होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से हिडन लाइन में हम इसे दोनों लाइन को नीचे तक ड्रॉ करते हैं, जैसे इसे ड्रॉ किया है बिल्कुल स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमने ऊपर से पूरा हिडन लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ पे आके ये विजिबल हो गया क्योंकि ये इस प्लेट, ऊपर वाली प्लेट की जो ऊपर वाली प्लेट से बाहर आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ये विजिबल शो होगा, ठीक है, डार्क शो कर रहे हैं हम इसे। इसके बाद जो हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्शन लिया हुआ है ब्रेक का, तो इसको हम ब्रेक करके नीचे पूरा ले जाएंगे और प्लस इसको यहाँ से यहाँ तक इसे ड्रॉ कर देंगे ब्रेक करके, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो हम विजिबल होगा क्योंकि ये इस प्लेट से ऊपर वाली प्लेट से बाहर है, लेकिन यहाँ से ये हिडन हिडन लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं इसको यहां से ऐसे ऐसे मिला दिया, लेकिन ये हमारा हिडन सो होगा, तो उसको हम हल्का हल्का रबर से मिटा देंगे या फिर आप पहले से इसको हिडन ले जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए इसे दिखाया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगी ब्रेक में। अब नीचे हम ड्रॉ करते हैं इसको, लेकिन ये पूरा विजिबल रहेगा, तो इसे डार्क लाइन से नीचे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हमने यहां से नीचे तक ड्रॉ कर दिया ऊपर से, अब इसको हम यहां इसे मिला देंगे, ठीक है। तो हमने ये मिला दिया, हमारा ये फ्रंट सेक्शन व्यू फुली और हमारा ये जो हमारा ये टॉप व्यू है ये पूरा बन गया है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर बस टॉप व्यू में थोड़ा डायमेंशन दिखाना है डी की फॉर्म में, और बस हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो मैं अब डायमेंशन इसका दिखाने जा रहा हूँ, आप प्लीज एग्जाम में ऐसे ही दिखाइएगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसमें नॉर्मल से डायमेंशनिंग कर दी डी की फॉर्म में, जो जितनी आप शो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप शो कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी शो की है जितना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसमें ये हमारी ड्राइंग पूरी बन चुकी है, लेकिन हमने यहाँ पर सेक्शन दिखाया है, तो हमें यहाँ पे टॉप व्यू में दिखाना पड़ेगा हमने कहाँ से इसे सेक्शन किया है, मतलब कहाँ से इसे कट किया है। तो हम इसे यहाँ से दिखा देते हैं, इस लाइन को हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे जैसे हमारा एक्सिस होता है उस फॉर्म में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे एक्सपेंड किया और इस साइड से भी हमने इसे एक्सपेंड किया थोड़ा, और इस पर हमने एक एरो लगा दिया जिसका नाम एस रख दिया, और इतनी यहाँ पर भी एक एरो लगा के इसका नाम पी रख दिया। इसका मतलब हमें ये होता है कि हमने यहाँ पर सेक्शनिंग करके हम करी है और उसे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसे नहीं दिखाएंगे तो आपका ये ड्राइंग सेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये ड्राइंग कंप्लीट है। आप मेरा चैनल चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।